सो हेलो एवरीबडी, तो शाम्बर इज बैक विद न्यू वीडियो गाइज। मुझे आज बात करनी है अपने एक फेसबुक स्टेटस के बारे में। मैंने एक फेसबुक स्टेटस डाला था, उस पर मैंने बोला था हेलो बॉयज, अपने लड़न को कंट्रोल में रखो, अगर रेप करने का ज़्यादा शौक चढ़ा है तो अपनी बहन के अंदर दो, बहन नहीं है तो माँ के अंदर दो। ये बात मैंने बोली थी रेप करने वालों को। अगर ये मेरी ये बात हर कोई लड़का अपने ऊपर ले रहा है, हर कोई आदमी अपने ऊपर ले रहा है, इसे मेरा कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब ये उसने लाइफ में किसी ना किसी का रेप किया है तो जो अपने ऊपर बात ले रहा है। मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी, रेप करने वालों के लिए लाइन कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बच्चों से जाते हैं केसेस बहुत बढ़ रही है, लेकिन हम लोग आवाम जोन सी चुप है। हम तब बोलते हैं जब पुलिस एक्शन लेती है। लाजमी नहीं है हुकूमत या पुलिस कोई एक्शन ले तो हम बोलेंगे। हम मुसलमान हैं, हमारे अपने कुछ फ़र्ज़ बनते हैं तो हम लोग चुप हैं, क्योंकि इंसानियत मर चुकी है हम लोगों के अंदर। तो जिस तरह मैंने स्टेटस अपडेट किया, मैंने बोला, वो मेरा गुस्सा था उस चीज़ पर, मैंने बोल दिया। मैं सॉरी नहीं कहा कि मुझे गुस्से में बोल दिया, मैंने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन वो लाइन सिर्फ रेप करने वालों के लिए थी। मैं दोबारा बोलूँ, सिर्फ रेप करने वालों के लिए थी, ना कि हर लड़के के लिए जो अपने ऊपर ले रहे हैं। मुझे बहुत मैसेज आए लोगों के, तुमने क्या बोला है, मुझे गालियाँ दिए लोगों ने इस चीज़ पे, तुमने क्यों आवाज़ उठाई है, तुम क्यों बोल रहे हो, ये है वो है। तो जो मुझे लगेगा मैं बोलूँगा, और जो मुझे सही लगेगा मैं वैसे ही बोलूँगा। मुझे कोई जरूरत नहीं अपनी लैंग्वेज चेंज करने की, या कुछ अच्छा बोलने की, या तमीज़ के दायरे में बोलने की। मुझे जो जैसा लगता है मैं वैसे ही बोलता हूँ, तो मुझे कोई ना पता है कैसे बोलना है। रेप करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा, जिसके साथ रेप होता है उसकी रूह काम जाती है, आपको इतना पता है। तो जैसे मुझे बोलना है मैं वैसे बोलूंगा। आपको पसंद है, आप देखें, आप सुने, आप लाइक करें, शेयर करें, वो आपकी मर्ज़ी है। आपको नहीं पसंद, आप जाए ब्लॉक करें, जो मर्ज़ी करें।